बांग्लादेश से टकराया मोका तूफान, आइलैंड डूबने का खतरा, म्यांमार में भी डूबानी बारिश, हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर घंटा हो सकती है। पहलवानों के धरने के बीच बड़ा फैसला, एशियन कुश्ती ट्रायल के लिए अंडर 17 और 23 का शेड्यूल जारी, सोनीपत और पटियाला में होंगे। धीरेंद्र शास्त्री की कथा में 15 की तबीयत बिगड़ी, बाबा बोले कल अपने साथ किसी को ना लाए, टीवी पर कथा सुने। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे पीएम, मन की बात के समय एपिसोड की थीम पर एग्जीबिशन, मोदी ने लिखा मन मंदिर की यात्रा सुखद हो। केंद्र ने कर्नाटक डीजीपी को सीबीआई डायरेक्टर बनाया, चुनाव नतीजों के अगले दिन आदेश जारी, 2 महीने पहले शिव कुमार ने उन्हें नालायक कहा था। तेंदुओं के हमले से 2 साल के बच्चे की मौत, सोते बच्चे को गर्दन में दबोच कर ले गया, गुजरात के अमरेली में एक हफ्ते में तीसरी घटना। संजय राउत बोले मोदी लहर खत्म हुई, कहा कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली कांग्रेस के साथ रहे, शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। मदर्स डे पर मां ने उठाई बेटे की अर्थी, इंजीनियर की पढ़ाई करने कनाडा गया था 23 साल का बेटा, संदिग्ध हालत में मौत। धारीवाल को वसुंधरा अरेस्ट करवाने वाली थी, पायलट बोले झंडा गाड़ कर मैंने बचाया, 25 सितंबर की घटना में गहलोत शामिल। सीआईएससीई बोर्ड का रिजल्ट घोषित, 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% स्टूडेंट्स पास, 12वीं में 5 स्टूडेंट्स को मिली पहले रैंक, इनमें 3 लड़कियां।